सत श्री अकाल दा खालस जी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत हेडलाइंस इस बुलेटिन नाल मैं हाजिर हाँ जगजीवन मीत की ने अज दी खास खास खबर उस तो पहला पेश है अज दा खालस विचार। इंसान पानी विच डुबण नाल नहीं मरदा सगों इसलिए मरदा है कि उसनू तैरना नहीं आउंदा। कोई भी सिखी हुई कला साडा कदे नुकसान नहीं करदी। ते हुण पेश ने अज दीआं खास खबरां। CBSE ने विद्यार्थियों नूं पास करन दा नवां फार्मूला कीता तैयार। कोरोना महामारी कारण इस बार 12वीं जमात दे विद्यार्थियों दे पेपर किए गए ने रद्द। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दस्सिया कि 10वीं 11वीं अते 12वीं दे प्री बोर्ड दे नतीजे विद्यार्थियों नूं पास करन दे बनाए जाणगे इस बार आधार। पंजाब सरकार अते अध्यापकां दे विचाले होई मीटिंग दा नहीं निकला कोई नतीजा। मंत्रियों ने तजर्बे दे ग्रेस मार्क वधाउण दा दित्ता सी ऑप्शन। हुण अध्यापकां दी अगली मीटिंग होवेगी सिक्ख्या सकत्तर दे नाल। मोहाली दे विच प्रदर्शन कर रहे ने कच्चे अध्यापक। भवानीगढ़ के 10 पिंड हुए नशा मुक्त। पिंड के लोगों ने पिंडां दी एंट्री पुइंट ते नशा मुक्ति दे बोर्ड लाए। दिल्ली के सिंघू बार्डर के कजाइया दफ्तर में 32 किसान जथेबंदियों की हुई मीटिंग। देश भर में 26 जून में खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मौके सारे भारत में गवर्नर हाउस सामने धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सरकार के 600 दिन पूरे होने पर पंजाब नूं SYL का मामला उलझाने का लाया इल्जाम। उन्होंने किसानों नूं अपील की कि तिने खेती कानून ने किसानों के हित में। केंद्रीय कैबिनेट ने DAP अते कुछ होर गैर यूरिया खादा लिए सबसिडी वधाई। सरकारी खजाने ते इस दे नाल 14,775 करोड़ रुपए का पवेगा नवा बोझ। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस हिंसा मामले अभिनेता दीप सिद्धू अते होरां खिलाफ़ पूरक दोष पत्र किया दाखिल। मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर 19 जून नूं बाद दोपहर 2 बजे ताज़ा चार्जशीट के खास नुकतियां बारे जारी करनगे नवा हुक्म। नवी SIT ने कोटपुरा गोलीकांड मामले में कई गवाहों तो की पुछ पड़ताल दौरान SIT के गोलीकांड की वीडियो भी दिखाई। पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने जयपाल भुल्लर के दोबारा पोस्टमार्टम करन दी पटीशन नूं कीता सिरे तो खारिज। जयपाल भुल्लर के परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम करन दी अर्जी की सी हाई कोर्ट में दाखिल। हुण जावेगी सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस में विधायक सुखपाल सिंह खहरा की पार्टी पंजाब एकता पार्टी का होगा रलेवा। सुखपाल खहरा ने की राहुल गांधी नाल मुलाकात। श्रोमणी अकाली दल के बुलारे चरणजीत सिंह बराड़ ने कांग्रेस संसद मैंबर रणजीत सिंह बिट्टू के पवित्र सिटा वाले बयान से कसिया निशाना। कहा वन समुन्ने फेसबुक पेजा के दूजे द्वारे झूठे प्रचार करने वाली कांग्रेस सरकार खुद मुड़ तो ही दलितों के विरोध में। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने सारे सूचीबद्ध प्राइवेट हस्पतालों हस्पताल दाखिल सरबत्त सेहत योजना के लाभपात्रियों का ई कार्ड ना होने पर भी इलाज करने दे दित्ती हिदायत। अधीन सेवावां चोण बोर्ड पंजाब वालों पटवारी जिलेदार नहरी पटवारियों 1152 असामियों लिए अर्जियों की गई सी मंग। हुण असामियों के लिए लिखती प्रीख्या होगी 8 अगस्त 2021। प्रसिद्ध भारतीय दौड़ाक मिल्खा सिंह की हालत हुण ठीक। कोविड ICU तो बाहर PGI के एक होर हिस्से किए गया है शिफ्ट। बाबा रामदेव के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल थाने में किया गया एक होर मामला दर्ज। ICMR की शिकायत पर हुई है कार्रवाई। महाराष्ट्र के नदेड़ स्थित गुरुद्वारा हजूर साहब के प्रबंधकी बोर्ड ने 135 बिस्तरों का हस्पताल बनाने का किया ऐलान। गुरुद्वारा बोर्ड के प्रबंधकों वालों जारी प्रेस रिलीज अनुसार हस्पताल बनाने लिए 13 मैंबरी कमेटी भी बनाई गई। कोरोना करके 2 महीने बंद रहने तो बाद ताजमहल फिर खोलिया गया सैलानियों वास्ते। ब्राजील तो आई एक 40 साल औरत इसका दीदार करने वाली पहली सैलानी बनी। सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र मोटर वाहन के दस्तावेजा जिमें कि ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC परमिट की मियाद 30 सितंबर तक बढ़ाया। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा लाने गए नवे नियमों के अनुसार 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल और पेट्रोल कारा से रहेगी पाबंदी। इस दे मालकां नूं 10,000 रुपए भरना पै सकता है जुर्माना। कोरोना के टीके च गां दे बच्चे दे सीरम दीआं आ रहीआं खबरां उत्ते केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने दिता स्पष्टीकरण। सोशल मीडिया उत्ते कुछ पोस्टां बारे मंत्रालय ने कहा इस बारे तत्थां नूं गलत ढंग नाल पेश कीता गया। बंबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार दिता हुक्म। सोनू सूद वालों लोगों को एंटी कोविड दवाइया की सप्लाई करन अते उन्हां नूं दवाइया इकट्ठा करके रखण दी कीती जाएगी जांच। इस मामले स्थानक विधायक जीशान सिद्दीकी की भूमिका भी देखी जाएगी। IT पेशेवरां लई बैंक आफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने किया वड्डा खुलासा। भारतीय IT कंपनियां साल 2022 तक वड्डे पद्धर के कर्मचारियों की छांटी करने लई तैयार। 30 लाख कर्मचारियों नूं हटाया जाएगा नौकरी तों।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस की हैरानीजनक हरकत आई सामने। जिले के अकबराबाद थाने 15 साल पहला मर चुके व्यक्ति खिलाफ कर दिया मामला दर्ज। ट्विटर बैन से बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बैन लगाने के पक्ष में नहीं पर मनने पैणगे ट्विटर नूं हुक्म। उधर अमरीका के उत्तरी इलिनोई में कैमिकल प्लांट हुए वड्डे धमाके च लगी अग, इलाके में कई लोगों घर छड़ के दूर दराड़े जाने दे दिते हुक्म। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇ, ਧੰਨਵਾਦ।